केंद्र सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड पहुंचाने की तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को घोषणा की है कि हर रोज 10 लाख आयुष्मान कार्ड बांटने का सरकार का लक्ष्य है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा और मुफ्त इलाज मिल सकेगा। नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम प्रदेश की बात। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष और आयुष्मान डिजिटल मिशन के 1 वर्ष पूरा होने पर आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि देश में अभी तक 19 करोड़ लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत कार्ड हैं। उन्होंने कहा कि पहले देश में 1 से 1.5 लाख रोजाना आयुष्मान कार्ड बनते थे। वहीं उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए रोजाना करीब 10 लाख कार्ड बनाने का सरकार का लक्ष्य है। अभी तक 4 से 5 लाख रोज कार्ड बनते थे। वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए हर रोज जिले में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं मंत्री ने कहा कि लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए जोर दिया है। साथ ही जन आरोग्य योजना के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजनाओं को राज्यों और निजी खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करके अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का आह्वान भी किया है। योजना के तहत अब तक 28,300 से अधिक अस्पताल जिनमें 86% निजी हैं और सूचीबद्ध किया है। योजना के तहत कुल 3.8 करोड़ अस्पताल हैं। दाखिले में से 46% सरकारी अस्पतालों में है। कुल प्रवेशों में 52% पुरुष अस्पतालों में भर्ती होने वाले कुल 27% की उम्र में जहां 45 से 59 साल के बीच में थी, वहीं 24 से 3.44 साल के वर्ग के आयु के लोग इस दायरे में आएंगे। वहीं जल्दी प्रदेश नहीं पूरे देश के लोगों को आयुष्मान कार्ड सरकार जारी करने का ऐलान कर चुकी है।